आके चरण पकड़ लिए। हे महाराज, कम से कम एक जगह तो ऐसी बता दो जहां मैं अपना काम कर सकूं, मेरी खुशी ले सकूं। कौन सी जगह खुशी की है उसकी? दूसरों की हानि हो जाए ऐसी जगह। तो राजा ने भावना में आके कह दिया कि भाई रोज गेहूं की रोटी खा खा के जब आदमी तंग आ जाता है तो एक आध दिन बाजरे और ज्वार की इच्छा हो जाती है। रोज घर में खा के आता है तो एक आध दिन होटल पे भी खाने का मन हो जाता है। ऐसे ही बेचारे कलयुग की इच्छा हो रही है। चार जगह खाली जिंदगी खराब करने वाली बताई, एक जगह अच्छी। तो राजा ने कह दिया कि जा, सोने में तेरा पांचवा स्थान है। जैसे ही स्वर्ण में सोने में पांचवा स्थान किया, कलयुग हंसने लगा और कहने लगा, हे मूर्ख राजा, मेरी संगति में रहकर तेरी बुद्धि भी मेरी जैसी हो गई है। संगति का प्रभाव रहता है। राजा ने दुष्ट की संगति थोड़ी देर की और उसे माफ किया, उसकी वजह से समझ लो राजा ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी चला ली महाराज। तो याद रखिए, इधर से उधर से चुरा कर बेईमानी करके जो सोना खरीद लेते हैं अलग से, उसमें कलयुग का वास होता है महाराज। इसीलिए सोना हजार बार खरीदिए, लाख बार गले में पहनिए, सजाइए, पर मेहनत की कमाई से, परिश्रम की कमाई से, आपके पुरुषार्थ की कमाई से सोना आए तो कलयुग नहीं आता उसमें, उसमें लक्ष्मी का वास रहता है। और जो सोना चोरी के पैसों से खरीदा जाता है उसमें कली का वास होता है। तो राजा परीक्षित के कुबेर खजाने में जो लाल रंग की पेटी है, जिसके लिए पांडव ना बोल के गए हैं, उसमें जाकर कलयुग प्रवेश हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, आज नहीं कल परसों, क्योंकि इसकी बुद्धि मेरी संगति में खराब हो चुकी है। ये अपने बाप दादा की अब बात मानने वाला नहीं है, ये सबसे पहले वही काम करेगा जो इसके दादाजी ना बोल के गए हैं। और यही बच्चों में आदत, आप छोटे बच्चे को देख लेना कभी भी, एक डेढ़ साल का बच्चा आप जिधर से उधर रोकेंगे उधर ही जाएगा खेलने के लिए। आप कितनी बार भी गेंद छुड़ा लो उससे, उसी गेंद को पकड़ेगा वो। ये क्यों? उसकी संगति जो है अभी कुबुद्ध है। राजा लौट के आ गए, राजा ने सोचा मेरा दिन खराब हो गया है। घर लौट के आए राजा तो बुद्धि भी खराब हो गई राजा के बहन भाइयों। राजा ने सबसे पहले उसी दरवाजे को खोला जहां पर वो पेटी रखी, शंका करने लगा अपने दादाजियों के ऊपर, पांडवों के ऊपर। देखू तो सही, खुद तो चले गए वनवास में, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब पेटियां खाली पड़ी और इनकी आशा में मैं पड़ा रहूं और मौके पड़ने पर आवश्यकता पर कुछ न मिले। तो सबसे पहले उसने उसी पेटी के ताले को तुड़वा दिया। जैसे ताला तुड़वाया, हीरे मोती से सजा हुआ चोरी का मुकुट रखा था उसमें, चोरी का मुकुट जो भीम चुरा के लाया था, कहां से? जरासंध की राजधानी से। भगवान कृष्ण के कहने से उस मुकुट को कभी किसी ने भोग में नहीं लाया। भागवत यही सिखा रही है, कभी भी चोरी चंगोड़ी, एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर, ऐसा करके पैसा ज्यादा कमा लो, पर उसे कभी भी बच्चों के ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। नहीं तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा बन जाएगा मन। हाँ, बच्चों की फीस तो मेहनत के पैसे से भरो, पढ़ लिख के डिग्री मिल जाए, नौकरी मिल जाए, उतना काम नहीं है। बच्चों का असली निर्माण बाकी है, नौकरी जीवन नहीं है, नौकरी पर्याय है पैसे का, जीवन नहीं है वो। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी खुश रहते नहीं है। नौकरी वाला किसको बोलता है? अपने मित्र को जो दुकान करता है, या तू मस्त है, तेरा कहता है नहाया धोया घर के सामने बैठ गया, अपने आप ही लोग नोट लेके तेरे पास आते हैं। अपने को यार रोज घर छोड़ के जाना पड़ता है 25 किलोमीटर, रोज ये रोज वो, और दुकानदार नौकरी वाले को, यार तू मस्त है, अपन यार क्या दिन भर न खा सके न पी सके, तू नहा धो के सरकार की आंखों में धूल झोंकता रहता है और पगार ले लेता है। एक दूसरे को अच्छा बता रहे हैं पर दोनों ही अपने काम से खुश नहीं है। यही तो है कथा में सीखने जैसा। इसलिए का पर्याय नौकरी है, जीवन नहीं है नौकरी। जीवन क्या है? जीवन यह है तद मोक्ष मूलम तत जीवनम च। जिस जीवन में भक्ति मुक्ति नहीं आई वो जीवन तो भैया नौकर चाकर बन के रह गया दुनिया का इस माया का। पैसा कमाइए, कितना भी कमाइए, पैसा तो भाग्यवान को ही मिलेगा,
जितना चाहे लक्ष्मी के स्वामी बनिए, सेवा करिए लक्ष्मी की, भोग करिए, पर अपने निर्माण को भूल के सब काम मत करिए। सबसे पहले जीवन का निर्माण होना चाहिए महाराज। हाँ, दुनिया के किसी भी मकान को देख लो आप, किसी भी मकान में दीवार से पहले कलर मारते देखा है आपने? किसी भी मकान को आपने देखा है कि उस पर प्लास्टर नहीं है, उस पर डिजाइन नहीं है, खाली कलर ठोक दिया? ना 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 ना। इसीलिए पहले तो दीवार को कलर के योग्य बना लेना चाहिए। पहले दीवार को ऐसा कर लो जिस पे कलर लग जाए, चमक जाए, दिख जाए। प्लास्टर हुआ नहीं, कलर मार दिया, लोग हंसेंगे। इसीलिए कलर माने समझ लो जीवन के जो सुख है, जीवन की जो चमक है, जीवन का जो दिखावा है, जो आर्टिफिशियल है, जीवन की जो बनावट है, जो 6 साल में दोबारा मैला हो जाएगा, फिर करना पड़ेगा शादी में बेटी के, वो कलर, ऐसी जो बनावटी जो दिखावटी जिंदगी है, ये रोज बदलती है, धूल से मैली हो जाती है। इसीलिए भूकंप जब आता है तो ना ट्रैक्टर छाप ना एशियन, कोई भी कंपनी का कलर नहीं टिकता। पर जिनके बेस अच्छे रहते हैं वो भूकंप को झेल जाते हैं, जिनका सांस्कृतिक जिनका आध्यात्मिक जीवन अच्छा है वो कभी संसार के भूकंप से डरते नहीं है। फाइबर की दीवार लगा दो और कलर कर दो एशियन का, ट्रैक्टर छाप का, फलाने छाप का, बड़ी से बड़ी कंपनी का कलर मार दो, पर जोर से जब पश्चिम दिशा से आंधी आएगी तो घर उड़ने में देर लगाने वाला नहीं है। कलर क्या कर लेगा? तो ये बाहर की जो चमक है ये ज्यादा देर नहीं टिकती मारा, किसी की टिकी नहीं है। किसकी नहीं टिकी है? किस किसकी नहीं टिकी है बताओ? हम और आप तो बहुत ही छोटे हैं, जिनके हम मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं उनकी भी इस दुनिया में दाल खिली नहीं है। कौन है वो? राम कहाँ है, भरत कहाँ है, और धर्मराज घनश्याम है। जो मंदिर में बिठाए हैं वो तो हमारी कृपा है आपकी। अच्छा हुआ कि जयपुर से राम और सीता की फोटो ला के मंदिर में रख दी, ये तो तुम्हारी मेहरबानी से। पर वास्तव में जरा ढूंढ के बताओ कि है कहाँ वो? सारी दुनिया जिनका चरण पूजती, सारी दुनिया जिनकी कथा सुनाती, पर उनकी भी दाल इस दुनिया में गली नहीं है। ना 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 ना। राम कहाँ है, भरत कहाँ है, और धर्मराज घनश्याम कहाँ है, और है कोई उनका पता बताए सारे भूमंडल में। और ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन हल चल में जीवन, मृत्यु की हल।
कहाँ है, भरत कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है, ये कोई उनका पता बताए, सारे भूमंडल में जीवन बीत रहा। जोर से बोला करो, जीवन बीत रहा पल पल में। सच बोल रहे हैं क्या? तुम तो कई जन्मों का ठेका लेके कमाई कर रहे हो, पल पल में बीत रहा है तो फिर न जाने कहां कहां के आड़े वाड़े साड़े लगा रखे हैं जी। अच्छा एक बात बताओ, तुम जिस घर में रह रहे हो कर रहे हो सब अच्छा है, तो फिर वहां यहां कहां कहां फ्लैट काय को बना रखे तुमने? खाली पड़े तुम्हारे घर, काय के लिए खरीद रखे बाबा? आपत्ति काल के लिए खरीद रखे। आपको ऐसा लग रहा है कि 100 साल और मिलेंगे हमको दोबारा से, इसलिए कुछ यहां निकालेंगे बाकी वहां निकालेंगे। ये क्या है मुझे नहीं पता है, पर इतना जरूर समझ लो, जितनी देर आप दुनिया को देख रहे हो उतनी ही देर आप धनवंता कर्मकर्ता जो भी है, है। दुनिया को देखना जिस समय बंद करोगे फिर आपका संसार में कुछ भी रहने वाला नहीं है। सबके नाम बदल जाते हैं, रोज नाम बदल रहे हैं, आप देख लो शहरों के नाम बदल गए, सब डूब गए, सब इस दुनिया में जो आया है वो गल गया गल। इसलिए आप ना गले उसके लिए ही भागवत कलयुग में औषधि के रूप में हमारे लिए साधु महात्मा ऋषियों ने गुरुजी की है कि आप तक ये पहुंचाई जा रही है। आज राजा परीक्षित ने मुकुट पहन लिया निकाल के, जैसे ही मुकुट पहना समझ लो कलयुग पूरा बुद्धि में प्रवेश कर गया, बुद्धि खराब हो गई। जहां जहां कलयुग का वास दिया था राजा परीक्षित ने, कलयुग राजा परीक्षित को वहां वहां ले जा रहा है। हमारा जो खेत हम बोते हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसकी सारी पहचान हमसे ही होती है हमारा, और उसके भोग भी हमारे तक जाते हैं, हमारे परिवार को प्रभावित करते हैं। राजा परीक्षित ने जहां जहां कलयुग को भेजा वहां ले चला, घोड़े पर सवार हो गया, बुद्धि में बैठ गया, दिल में बैठ गया, तलवार उठा ली राजा परीक्षित ने, धन सुवर्ण ले लिए और जंगल में शिकार खेलने, निर अपराध सिंह हिरण मारने के लिए, हिंसा करने के लिए, पाप करने के लिए। क्यों? दुर्बुद्ध मेदाम कर्मोच भूषिताम। बुद्धि जब दुर्बुद्ध हो जाती है तो आदमी जो है फिर ऐसी हिंसा के कर्म करता है, अपने स्वार्थ के लिए निर अपराध जीवों को हत्या करता है। कितने हत्यारे हैं जो मार रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, बकरे को, मुर्गे को, गाय को, भैंस को, कितने कत्तल खाने काय के लिए मार रहे हैं? अपने पेट भरने के लिए, पैसे के लिए। कौन है ये? भागवत के अनुसार ये कौन है? तो कहा ये कल पुरुष है, पापाचार में जिनकी रति है, और धनवान होने के लिए केवल ये बुरे रास्ते अपनाते हैं, कल पुरुष दुर्बुद्ध हो गए महाराज। राजा परीक्षित ने भी आज वही रास्ता अपना लिया। क्यों? इस दुनिया में कब कौन बुरा हो जाएगा समय नहीं पता चलता। राजा परीक्षित इतने ज्ञानी, इतने तपस्वी, ऐसे खानदान में पैदा हुए, आज उनमें भी ऐसी बुरी आदत आ गई। कैसे आ गई आदत? संगति से, दुष्ट संगति के कारण राजा के अंदर ये प्रलोभन आया, चढ़के सवार घोड़े पर होकर जंगल में दौड़ने लगे और ढूंढ रहे शिकार, हिरण मिल जाए, सिंह मिल जाए, हिरण मिल जाए। एक हिरण मिल गया, राजा परीक्षित ने हिरण को मारने के लिए पीछा किया है, पर हिरण कौन है? तो भागवत के अनुसार हिरण को माया का रूप बताया है हमारे। सीता को किसने उल्लू बनाया? सीता जी को किसने फंसाया था? राम जी को किसने भ्रम में डाला था? राम की ही माया ने। आपको तकलीफ किससे? आपके ही बच्चों से, और किसी से नहीं है। आप ही आपको तकलीफ देंगे। अटैक किसको आता है? आपके हार्ट को आता है, पड़ोसी के हार्ट को थोड़ी आएगा। बोलिए ना, बीपी किसको होता है? आपको। कोई भी क्लेश दूसरों को आएगा तो आएगा, मतलब सबको अपने अपने लिए आएगा हमारा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जगह पे उसको आ जाए ना, ये तकलीफ तुम्हें होगी। अब भगवान की माया ने भगवान को ही जब ठग लिया था तो
तो आज ये माया रूपी हिरण जो बहुत ही सुंदर लग रहा है, मोहित लग रहा है, उसकी चमड़ी मिल जाएगी, सिंह मिल जाएंगे, दीवार में सजा लूंगा, राजा महाराजाओं के यहाँ सिंह की चमड़ी और हिरण के सिंह अच्छे लगते हैं, इस भावना से मारने दौड़ पड़े। पर जब पाप किया है तभी तो फल मिलेगा, अभी पाप हुआ नहीं राजा से, पर पाप के मार्ग पे चल पड़ा। पर महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, काली पीली जो चलती है कि नहीं, यहां से ओझर जाती है, नीजर जाती है, तलोदा जाती है, उस पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, पितरोचि पुण्याई। राजा परीक्षित को अभी तक जो है दिन भर निकल गया पर हिरण हाथ नहीं आया, मतलब पाप नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है पाप, क्योंकि उनके पूर्वजों का पुण्य अभी तक उनके साथ में है, इसलिए पाप आगे है पर होता नहीं है। हाँ जी, दादा बाबा की कमाई कितनी भी हो, जब तक हम स्वयं उसकी रक्षा नहीं करेंगे तब तक उससे नैया पार लगने वाली नहीं है। हाँ जी, हो गया काम। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ राजा को हिरण दिखना बंद हो गया अंधेरे की वजह से। अब तो पिताजी की, दादाजी की, द्रौपदी जी की, सबके यज्ञों का पुण्य समाप्त हो गया। अब जब पुण्य समाप्त होता है तो खुद को भी पानी पीने के लिए तरसना बढ़ जाता है। सम्राट होके भी पानी नहीं, जंगल में पानी 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 पानी, कोई बचा लो, कोई पानी पिला दो। दूसरों को मारने के लिए घर से निकलोगे तो तुम्हें बचाने वाला कोई आएगा नहीं, ये बात सीख लो। हाँ, इसका बुरा हो जाए मेरा अच्छा हो जाए, ये सोच कैसी है। शाम तक ऐसा सोचोगे तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा, उसका अच्छा हो जाएगा। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे भगवान, हम इस देश में रहते हैं जहाँ के देशवासी ऋषि मुनि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे विश्व को सुख देने की प्रार्थना करते हैं, तो फिर हम क्यों किसी की प्रार्थना करें। हम खुश रहे, हमारा पड़ोसी हमसे भी ज्यादा खुश रहे। क्यों, पड़ोसी के घर में जब आम लटकते हैं तो हवा के द्वारा दो चार आम हमारे आंगन में भी टूट के गिरते हैं। हाँ, कई लोग तो पेड़ के पीछे झगड़ा कर लेते हैं, हमारे हम घर में आ रहा है, काट ले हमारी तरफ से। अरे मूर्खो, उसके आंगन में पेड़ खड़ा है, दीवाल उसकी तोड़ेगा, पर छाया तेरे घर को भी आदि दे रहा है। छाया पसंद नहीं है लोगों को, क्योंकि जलन है हृदय में किसी की। छाया से, समृद्धि से, सुख से, बड़मपन से, उन्नति से, अभिशाप श्रृंगार से ईर्षा। इसीलिए जिनके मन में ईर्षा दूसरों के सुख से होती है वो सुख बांट के भी ले सकते नहीं है। इसीलिए क्या करना चाहिए भागवत श्रोताओं, तो कहते हैं चाहे आधा ही सही पर बांट के ले लो। क्यों जल रहे हो, बांट के बांट के। मुझे नहीं पता कितना फल मिलेगा, पर मैंने इतना तो जरूर देखा है कि जब भी रात रानी के फूल खिलते पड़ोसी के घर में तो हमको भी सुगंध लेने से वो ना बोलते नहीं है। अब बताइए, पेड़ अपना अच्छा ईमानदारी से काम कर रहा है, ये आपस में मरे जा रहे हैं झगड़ा कर कर। पेड़ सबको सुगंध दे रहा है, कोई भी ले लो, रास्ते पे से आते जाते ले लो, पर ये काहे को मर रहे पड़ोसी पड़ोसी। इसलिए सबकी समृद्धि में अपनी वृद्धि समझें, यही आज का धर्म है, यही मनुष्य का धर्म है। दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझें, केवल अपनी उन्नति में संतुष्ट ना रहें, ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। कितनी बढ़िया बात लिखी है, अपनी उन्नति में संतुष्ट ना रहें, दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझें, यही मनुष्य का परम धर्म है। ऐसा जो समझता है वो व्यक्ति कभी भी दुख और कभी फुटपाथ पे नहीं आता, हमेशा चार चांद लगते उसकी जिंदगी में। आज राजा परीक्षित ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी चला ली, निरअपराध जीवों को अहंकार की वजह से मारने के लिए जंगल में चला गया। कैसा सम्राट, कैसा राजा, मैं शिकार ही नहीं कर पाया, जिस राजा को देखो वही शिकार खेलता है, आज मैं भी शिकार करूंगा ऐसा सोच कर गया। क्यों, मित्र जब दुष्ट हो जाते हैं तो फिर ये सज्जन भी सज्जन रहता। हाँ जी, कोयले की खदान में काम करने वाले घुटनों तक के जूता क्यों, बता, कोयले की खदान में यहां पे कैप क्यों लगाते, यहां तक के सॉक्स क्यों पहनते,
क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि कोयले की खदान में जो काम करेगा उसे काला होना ही होना है महाराज। इसीलिए सुरक्षा कवच पहन लो। क्यों? ये दुनिया में जिस गली में जाओगे दुर्जनों की फौज भरी पड़ी है, जिस गली में जाओगे लाचारों की फौज, चंचलों की फौज, चालबाजों की फौज, छलियों की फौज, जिस गली में जाओगे वहां पर वही तुम्हें दिखेगा। अब कोयले की खदान में रहना है तो कैसे रहना है? अपने आप को संभाल के रहना है तो कहां से पहनेंगे वस्त्र सुरक्षित करने के लिए? तो कहा जाइए गुरु मंत्र लेके आइए और माला धारण कीजिए। गुरु मंत्र के जब सॉक्स पहन लेंगे और गुरु मंत्र के जब जूते पहन लेंगे तो कांटे पत्थर कालमा फालमा से फिर कोई तुम्हें तकलीफ होने वाली नहीं। अबे नंगे उघाड़े घूम रहे क्या जिंदगी जी रहे बाबा है? बिना ज्ञान के बिना भक्ति के घूम रहे, कोई सुरक्षा कवच नहीं है, किसी की उंगली नहीं पकड़ी है और रास्ता चलना नहीं आता है, मार्ग भी पता नहीं, मंजिल भी पता नहीं है, जाना कहां है? जो नहीं जाने उसे पूछ लेना चाहिए। पूछ लो पूछ लो, हम बैठे ना तुम्हारे सामने, पूछो। नारद जी ने मैत्री ऋषि को रास्ता बता दिया। हे नारद जी, राजा परीक्षित ने आज गलती कर दी, अब प्यास लग रही है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है तो रोने लगे, दूसरों को मारने वाला अपने प्राणों के लिए चिल्ला रहा है बचा लो बचा लो, दूसरों के प्राणों को हरने वाला अब अपने प्राणों पे आ पड़ी तो रो रहा है, अब कोई बचाता नहीं महाराज। राजा परीक्षित ने देखा दूर से एक कुटिया नजर पड़ी और उस कुटिया पे जाके दरवाजा खटखटाया, बाबा पानी पिलाओ पानी, तुम्हारे द्वार पर एक प्यासा आया है, दीनहीन आया है और ये हस्तिनापुर का राजा है, अगर तुमने मुझे दो बूंद भी पानी पिला दिया तो मैं आधा साम्राज्य बाबा तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैंने परसों क्या कहा था? मैंने कहा था जब प्राण जाते हैं तब सारी संपत्ति भी दान कर दो, फिर ये प्राण बचने वाले नहीं है। अब तो राजा ने बाबा से कहा कि मैं अपनी सारी राजधानी तुम्हें दे दूंगा पर पानी का एक घूंट दे दो। अब कोई हो कुटिया में तो घूट दे दे, कुटिया में कोई है ही नहीं। रात के अंधेरे से भ्रम हो गया राजा परीक्षित को, वहां पे कौन था? तो कहा वहां पे श्रृंगी ऋषि के पिता समक ऋषि कई हजारों जन्मों से तप कर रहे थे कुटिया में, तो उनके ऊपर दीमक जम गई, मिट्टी जम गई समाधि, उनके ऊपर ध्रुवा घास हो गई, उनका कोई बोध नहीं है संसार का, आत्मा तो अंतरिक्ष में चली गई है और मिट्टी से कह रहा है पानी पिला दे पानी पिला दे पानी पिला दे। जैसे उस कुटिया की उस मूर्ति ने पानी नहीं पिलाया था वैसे तुम्हें भी कहीं भी पानी मिलने वाला नहीं है। हां जी, पानी कहां मिलेगा बताओ? पानी इधर ही आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा पानी, भगवान से मांगो, एक बार भगवान से मांगो पानी इधर ही आ जाएगा। पर भगवान पे तुम्हें भरोसा ही नहीं है ना, तुम्हें तो फोटुओं पे भरोसा है, इस पे भरोसा उस पे भरोसा, जो चलते चलते टांग मारते हैं ना उस पे पूरा विश्वास कर लेते हैं, और जो तुम्हें गिरने से बचावे उसको कभी नहीं सोचा कि हमें उस पे भरोसा करना चाहिए। आज राजा परीक्षित ने अपने राजपाट के गौरव से महात्मा को कह दिया, महात्मा जब तू प्यासे को पानी नहीं पिला सकता तो तू काहे का महात्मा? राजा को मालूम नहीं था कि वो समाधि में चले गए, उनकी इंद्री काम नहीं कर रही हैं। राजा ने सच का महात्मा समझ के आज मरा हुआ सर्प महात्मा समक ऋषि के गले में डाल दिया। कहते ही जैसे ही राजा ने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला उसी समय चारों तरफ धरती कांपने लगी, पेड़ों में अचानक तूफान आ गए, नदियां उफनने लगी, बिजलियां तड़कने लगी, वादर गरजने लगी, बरसात होने लगी। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि नदी में बैठकर ध्यान कर रहे थे, अचानक बाढ़ ने उनके पैर उखाड़ दिए, जागे नदी में, चेतन हुए, देखा अकारण ही बारिश तूफान ये भूकंप, दो तीर्थों में भूकंप आया तुम्हें पता होना चाहिए, तीन साल में, एक नेपाल में और एक केदार, दो तीर्थों में भूकंप क्यों आया बताओ? नंदुरबार में समझ लो पापी हैं पर बट बट के हैं, कोई उस घर में कोई इस घर में, पूरी दुनिया के पापी वहां जाके जमा हो जाते हैं, फिर भूकंप नहीं आएगा तो क्या आएगा? ज्यादा सवारी नाव में बैठ जाए तो डूबेगी के
ज्यादा सवारी बैठ गई केदारनाथ में, इसलिए इसीलिए प्यारे जब कोई साधु महात्मा सब ही जाओ तीर्थों में, नहीं तो नैया पार लगने वाली नहीं है। ज्यादा सवारी बैठ गई तो डूब जाएगा, डूब गए। नेपाल के भगवान भी डूब गए, वो भी ले गए, लाखों लाखों लोग लुकड़ुपड़ुक हो गए महाराज। बचाने वाला ही मारने पे आ जाए तो फिर बचाए कौन? इसलिए तीर्थ में जाने से पहले यही धो लो, कोई नाला मिल जाए उसी में धो लो पाप पहले आधे तो यही कर लो, फिर रस्ते में नर्मदा मिले वहां धो लो, फिर यमुना मिले वहां धो लो, कुल मिलाकर वहां जाते जाते पूरे खाली हो जा, तब जाके तीर्थ तुमसे हाथ मिलाएगा, अन्यथा लाइन लगने वाली नहीं है। हां जी, आपको क्या लगता है जाते से खाली? खाली तो सभी कर रहे हैं ना, इसीलिए तो लोड आ गया ना, वहां धरती क्यों धस गई? ज्यादा वजन हो गया इसलिए धस गई। और ये हंसी की बात मत समझना, ये रामायण कहती है, भागवत कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम। भगवान ने सुदर्शन चक्र कब उठाया? जब दुर्योधन के साथ में सब पापी इकट्ठे हो गए, तब ठाकुर जी ने भी उठा लिया। जो बचाने वाला उसने ही मारना शुरू कर दिया, फिर क्या करेंगे? इसीलिए जो बचाने वाला है वो बचाने के लिए ही अच्छा लगता है, इसीलिए हमें मर्यादा में रहना चाहिए। अगर हम लोग मर्यादा में हैं तो फिर वो वही काम करेगा जो उसकी ड्यूटी है, अगर तुमने मर्यादा तोड़ी तो उसको भी रूप बदलने में देर लगती नहीं है। हां जी, क्या क्या बन जाता है वो जिसको मछली बनने में लाज नहीं आई, जिसे कछुआ बनने में शर्म नहीं लगी, उसे फिर मारने में भी लाज नहीं आने वाली। बहादुरी मिलती है दुष्ट को मारने से, किसी को भी देख लो आप, जिनको भी वीरता का पुरस्कार मिला है आर्मी में, वो वही लोग हैं जिन्होंने मारा है किसी को, किसको? दुष्ट को, दुर्जन को, पुरस्कार मारने वाले भगवान को, फिर जब वो पापियों को मारता है तो। और किसी ने भी पुलिस कंप्लेन नहीं की केदारनाथ में इतने लोग मर गए, किसी पे 302 नहीं बनी है, कोई धारा लगी भगवान पे? और इधर मार दे तो चक्कू से आज ही उठा के ले जाएगी पुलिस शाम को। ये है फर्क है मरने में भी, इसीलिए परमात्मा करे आपको अच्छी मृत्यु, भागवत की मृत्यु, वेद शास्त्रों की मृत्यु आए, जो तुम्हें सजा दे, तुम्हारी कीर्ति बढ़ा दे, ऐसा मरण होना चाहिए। राजा परीक्षित को अचानक श्रृंगेरी ऋषि ने श्राप दे दिया, हे हस्तिनापुर नरेश, तुमने जिस वेग में अहंकार में मेरे पिता के तप का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं ब्राह्मण पुत्र, जो सर्प तुमने मरा हुआ समझा है वही सर्प 7 दिन में जीवित हो जाएगा, और जैसे 7 दिन समाप्त होंगे तुम्हारा काल आ जाएगा। अब राजा रोने लग गए महाराज, राजा व्याकुल हो गए, तड़पने लगे, रोने लगे, अंत में राजा पैरों में गिर पड़े, क्षमा कर दो, श्रृंगेरी ऋषि आए, क्षमा कैसे कर दे महाराज, अब तो मुंह से शब्द निकल गया, अब ये वापिस होने वाला नहीं है। फिर भी जब तुम क्षमा मांग ही रहे हो, गलती हो गई है स्वीकार कर लिया, तो हम तुम्हें कहते हैं जाओ, तुम्हारे इस श्राप को कोई साधु तार देगा, मेरा श्राप लौटेगा नहीं, पर मेरे श्राप से बचने का मार्ग कोई साधु बताएगा तुमको। एक साधु श्राप देता है और वही साधु कहता है दूसरा साधु तुम्हें बचा लेगा, भगवान बचाने वाला कौन बचाएगा? बिना गुरु के लाइन लगने वाली चले। राजा परीक्षित आला माला उतार दी, सब मुकुट भी उतार दिया, धन दौलत गले में से उतार दी। राजा परीक्षित ने सोच लिया 7 दिन में मरने की घोषणा हो गई है तो अब हस्तिनापुर जाने से कोई मतलब, अब थोड़े दिन बचे हैं, थोड़ा ध्यान भजन कर लो, जितना अच्छा हो जाए उतना। इसीलिए प्यारे भाइयों, राजा परीक्षित की तरह भी पछतावा कर लोगे तो भी लाइन लग सकती है थोड़ी बहुत, आज कर लो पछतावा, हैं? पूरी तरह से पक्के हो जाओ कि अब हम लौट के घर जाएंगे, अब यहीं से सीधे साधुओं के साथ चले जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, साधुओं के पास राजा क्यों गए? क्योंकि राजा को कथा नहीं मिली है, तुम्हें कथा मिली है, इसीलिए 26 तारीख तक यहीं रहो, 26 के बाद में सीधे पकड़ लेना साधुओं को अपने अपने तरीके से, फिर और कथा मिले, और कथा मिले, जब तक जीवन में से वो काल ना चला जाए, मृत्यु ना चली जाए,
तब तक निरंतर हमें साधु संगति और कथा का श्रवण करते ही रहना चाहिए महाराज। आज सुत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कहा, अरे ऋषियों, आज सृंग ऋषि के प्रताप से राजा परीक्षित को मृत्यु का श्राप दिया गया, अंत में राजा परीक्षित को श्राप से मुक्त होने का मार्ग बता दिया, जाओ कोई संत ही तुम्हें सुधारेगा। राजा परीक्षित वैराग्य का रूप लेकर सारी का त्याग जंगल में भटकने लगे, रोने लगे। अंत में राजा प्यासे भी थे, गला सूख गया, जीभा चुपक गई, होठ सूख गए हैं। अब राजा चक्कर आके गिर पड़े। जैसे ही राजा परीक्षित जमीन में चक्कर आके गिरा, होश भूल गया अपनों का, मामा फूफा जीजा साला काला पीला हरा सब भूल गया, कोमा में चला गया। और जब आदमी को संसार का होश नहीं रहता तब उसे भगवान दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? भगवान। हां जी, पल भर भी संसार दिख रहा है तो भगवान नहीं आएंगे नजर में। मछली दिख रही है तो आंख फूटने वाली नहीं है, आंख फोड़नी है तो मछली को नहीं आंख को देखो। कर्ण ने क्या देखा? मछली की आंख देखी, मछली की। और अर्जुन ने क्या देखा? आंख। बुक्की किसकी है? भैंस की है कि भैंस की है कि बकरी की है? बाहर में गया, आंख मार। किसकी आंख है वो नहीं देखो, अपना टारगेट क्या है वो देखो। तुम्हारा टारगेट क्या है? पैसे वाला होना बस, घर बनवाना, इतना ही? अरे रे 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 रे, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, कम है ये, थोड़ा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इससे अलग? अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छा बिस्तर होना चाहिए, अच्छे भोजन होने चाहिए, अच्छा भजन भी होना चाहिए। जितना सुंदर घर है, जितना अच्छा बेड है, उतना ही अच्छा भजन का आसन भी होना चाहिए। मैंने है चादर बदल रही है बार बार बेडरूम में, पर भजन का आसन बदलता वही। 5 साल पुराना घिस गया, झुर्रियां हो गई, धागे निकल के भाग रहे, आसन भी नया कर लो। मूर्छित होकर गिरे तो राजा परीक्षित को याद आ गए अपने गुरुजी। राजा परीक्षित के पहले गुरुजी कौन है? उनकी माताजी उत्तरा। उत्तरा ने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते जो ज्ञान दिया, सत्संग दिया, वो याद आया, प्रथम गुरु। इसीलिए माता निर्माता भवती, पहला गुरु मां है। अगर उत्तरा की तरह दूध पिलाते बच्चे को भी मां ये ज्ञान दे दे कि हे पुत्र, दुनिया में जब भी अकेला विपत्ति में पड़ जाए तो नारायण के सिवाय किसी को मत याद करना, तो वो ज्ञान बच्चे को शेर से भी बचा लेगा। पर मां ज्ञान क्या दे रही है? बच्चे अच्छा पढ़ के जल्दी इंजीनियर हो जा और पूना में जाके नौकरी कर ले और हमको छोड़ के वहीं रहने लग जा, ये ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा गुरु ज्ञान। बूढ़ी अम्मा बूढ़े बाबा, बूढ़ी अम्मा बूढ़े बाबा नंदुरबार में रह रहे और बच्चे वहां मजे लूट रहे, और ये बेचारे रात में सोते ऊपर से मकड़ी गिर जाती है इनके बिस्तर पे, पूरे घर में मकड़ियों के जाल हैं, बूढ़ा बूढ़ी कैसे साफ सफाई करेंगे उसकी? इसीलिए भूल से भी औलाद पैदा हो गई है तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ में रखो। क्यों? औलाद माता पिता के कल्याण के लिए होती है भागवत में, और आजकल औलाद हो रही है माता पिता का खून चूसने के लिए। माता पिता नौकरी करने जाओ और पूरी पगार फीस में भर दो पूना में, जिंदगी भर कमा रहे, पूरे 25 साल निकल के कमा कमा के खिला खिला के बदले में क्या दिया? आई लव यू रसना ले। इतने लाख रुपए में क्या मिला? अरे कोई महान एक तो बताओ, महान कार्य क्या किया तुम्हारी औलाद ने 30-40-50-60 लाख रुपए में? एक तो बताओ कि ये मेडल लेके आ गए, वो खा गए फीस को है। सब लोग सोच में मत डूबो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारी बहुओं के हो रहे बच्चे, तुमने जो गलती की है वो बहू के ऊपर शासन करो, पोते को मत बिगड़ने दो,
उसको सीधा वहां भेजो हमारे गुरुकुल में, हाँ हमारे पास भेजो उसे, हम उसको असली इंजीनियर बना देंगे, असली डॉक्टर भी बना देंगे, असली बना देंगे उसको, बिना फाड़े चिड़े ऑपरेशन करने का काम है उसका। जन्म जन्मों में बीमारी ना सतावे, रोग ना सतावे, व्याधि ना सतावे, ऐसी औलाद का निर्माण करो। सोना तो बन जाता है बनाने से, पर पारस बनता नहीं है। पारस बनाएंगे हम, और पारस जब बच्चा बन जाएगा तो मम्मी को छुएगा मम्मी सोना हो जाएगी, पापा को छुएगा पापा सोना हो जाएगा, मौसी को छू लेगा मौसी भी, पड़ोसी पड़ोसियों को छू लिया तो सोना। कई लोगों के बच्चे सोना नहीं होते तो वो तो अपने बच्चों का नाम ही सोनू पोनू रख लेते, चलो भाई सोना सोना हो गया है, लोहे से भी ज्यादा खराब है नाम है सोना। चलिए कोई बात नहीं, नाम अच्छा रखो तुम्हें जो अच्छा लगे, पर राजा परीक्षित ने जो किया वो तो सुन लो। राजा परीक्षित जैसे ही कोमा में मूर्छित में हुए तभी उन्हें भगवान का भी ध्यान आ गया, नारायण का ध्यान आया। नारायण ने भगवान द्वारिकाधीश ने कुंती माता को वचन दे दिया था, हे भुआ तेरी सात पीढ़ी में जब भी कोई मुझे याद करेगा मैं सारे धाम छोड़कर तेरे बच्चों की रक्षा के लिए चला आऊंगा, पर तू मुझे अब चली जाने दे। भुआ कुंती ने वचन भरवा लिया ठाकुर जी से, तब जाने दिया हस्तिनापुर से। आज वही राजा परीक्षित जब भगवान को याद करने लगे तो ठाकुर जी दौड़े चले आए और ठाकुर जी ने शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ तुमने सुखदेव के रूप में अवतार ले लिया है, आज मेरा भगत तुम्हारी इच्छा कर रहा है, अगर आज तुम जाकर मेरे भगत को शिष्य बना लोगे और मेरे चरित्र मेरी लीला मेरी भागवत कथा मेरे उस लाडले को सुना दोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी का कल्याण करने के लिए भगवान नारायण ने उनको ही शिष्य बनाने के लिए राजा परीक्षित के पास में भेज दिया। इसीलिए मैंने कहा आपको नहीं जाना पड़ेगा भगवान के पास, भगवान तुम्हारे पास आ जाएगा, पर दुनिया को भूल जाओ और गिर जाओ ठाकुर जी के लिए, फिर भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे। ठाकुर जी दौड़े चले आए, सुखदेव जी खड़े हो गए नर्मदा के पहाड़ों से और सीधे दौड़ के चले आए और आकर के सबने प्रणाम किया ठाकुर जी को शिव जी को। अधलंग मेधम क्रिया व्याधि मोल बाधे न बटको समाना, लंगोट पहना हुआ था, मेरे जैसे बाल थे, जमी डाला हुआ था, हाथ में कमंडल था और चले आ रहे थे, सावला स्वरूप होके भी सूर्य से ज्यादा चमक रहे थे, सारे महात्मा पहचान गए अगर ये अंधेरे में कोई सूर्य निकल के आ गया है अमावस्या की रात्रि में भी तो ये सुखदेव के सिवाय कोई और हो सकता नहीं है। अमावस्या की रात्रि में भी सूर्य चमक रहा हो, तपस्या का तेज कभी खत्म नहीं होता, चाहे अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा हो, आकाश में चमकने वाला सूर्य भी छुप जाता है अमावस्या को, पर तेज नहीं छुपता, तप नहीं छुपता। उठा लिया राजा परीक्षित को और उठाकर राजा परीक्षित ने रो रो कर अपनी सारी कथा सुनाई सदगुरु को। भगवान सुखदेव ने कहा अब चिंता न करो मैंने तुम्हें छू लिया, क्योंकि सुखदेव कौन है, पारस है, पारस। जैसे ही परीक्षित को छुआ मानो परीक्षित के सारे दर्द चले गए, पीड़ा चली गई मारे। दर्श परस मुख मंजन पाना मिटे कलेश ये वेद बखाना। तुलसीदास कहते हैं किसी महापुरुष का अगर दूर से भी दर्शन हो जाए नेत्रों से तो आधे दर्द आधी पीड़ा पाप चले जाते हैं, और स्पर्श हो जाए तो समझ लो जीरो बट्टा जीरो, सब खत्म, नहा धो के क्लियर हो जाइए। पर साधु खुद आ जाना चाहिए तुम्हारे इसको पकड़ने के लिए, इसको ब्रह्मांड मूलम तदवेद मुक्ता। साधु के दोनों हाथ तुम्हारे कान के ऊपर, इसे कस के पकड़ ले खोपड़ी को, समझ लेना कृपा अब होने ही वाली। पर साधु जल्दी इसको नहीं पकड़ता, ये ध्यान रख लेना, साधु हाथ मारेगा पीठ पे मार देगा, ज्यादा ही प्यार आ जाए तो। खुश रहो बस, अंजलि में भर ले साधु, समझ लेना अब तुम्हारा सब गया, अंजलि में भर ले अंजलि, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। राजा परीक्षित को सुखदेव ने अंजलि में भर लिया महाराज, स्पर्श दीक्षा
ब्रह्मांड को पकड़ लिया, माथे को पकड़ लिया और कान मंत्र दे दिया और कहा यह नियम है, इस नियम को लेकर इस आसन पर बैठो और अब भगवान की कथा श्रवण करो। भागवत कहती है जो गुरु मंत्र लेकर के गुरु मुख से कथा श्रवण करते हैं वो राजा परीक्षित की तरह सारे द्वंद और पापों से मुक्त हो जाते हैं महाराज। इसीलिए मंत्र दीक्षा जरूर लीजिए और भागवत की कथा का पूरा फल प्राप्त कीजिए महाराज। बिना गुरु मंत्र के, बिना दीक्षा के दान पूजा पाठ कथा भागवत का फल नहीं मिलता। आज राजा परीक्षित ने पहले मंत्र धारण कर लिया और सुखदेव जी के लिए सोने का सिंहासन बनाया और आसन डालकर कुशा के आसन पर परीक्षित बैठ गए और कथा शुरू हो गई है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। साहेबराव देवरे एवं श्रीमान जी मगन गोरजी पाडवी कृपया मंच पर आरती के लिए पधारने का कष्ट करें।